ना तो हमें किसी के पतीले में झांकने की शौक है और ना ही किसी के कपड़े पहनने पर। बाकी फॉलोवर्स तो इससे ज्यादा ज्यादा भी है, आप निकाल करके देखना जितनी बिकनी कर ले। अब ये यति बेलगाम घोड़ा वो कहता है 1947 में सारे पत्रकार बताओ हुआ था, तो फिर उस दो पैसे की उसके लिए क्या कहोगे आप? नए नए हिंदू बने हैं, नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, तो आप सारे पत्रकारों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप ढेर सारी शुभकामना दें उनको। नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, बिहार में नया नया आजादी का महोत्सव मना रहे हैं वो, और किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट दे। तो यति नरसिम्हानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में, जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ? अरे देश का जो जनता का टैक्स का पैसा उसे रेवड़ी गज्जक समझ के खा रहे हैं। आपको लग रहा खत्म होती जा रही? मुझे तो नहीं लग रहा। दो राज्यों में सरकार है इतनी अच्छे से है, और आप इस तरीके की गलत बातें क्यों फैलाते हैं? गलत बात फैलाने के लिए आरएसएस के लोग कम है क्या? सत्ताधारी पार्टी के लोग कम है क्या? जो आप भी गलत मैसेज क्यों देते हो? आपका काम है ईमानदारी से काम करने का और सही मैसेज देने का, तो आप वो मैसेज दीजिए। खत्म किसको बोलते हैं जब पूरे देश में इनकी दो सीटें, जब हम तो ना कह रहे खत्म है हमारी, आज दो राज्यों में पूर्ण रूप से सरकार है। दूसरी बात, अभी फिर से हमारी गठबंधन में सरकार बनने वाली है, ठीक? आप कैसे कह रहे हो कि खत्म होने वाली? अरे बनने वाली, ये सूत्र है, बाद में बताऊंगे इनकी, जब बन जाएगी जब बताऊंगे। आगे की आगे के सवाल करिए, मैंने आपको बता दिया कि खत्म होने वाली। अब ए? पूरे देश में सिर्फ 5 राज्यों में बच रही है ना, बच रही है क्या? नहीं, जब इनकी पूरे देश में 2 सीट थी, हम तो नहीं बोलते थे 5 में बची है। पूरे देश में 5 राज्यों में ना इनकी तो 2 ही सीट थी, पूरे देश में एमपी की 2 ही सीट थी। तो जो उठता है उसी की तारीफ होती है ना, जो गिरता है उसी से सवाल किया जाता है। जो उठता है उसकी तारीफ नहीं होती है, जो गिर कर का उठता है उससे सवाल कीजिए। जो गिर कर का उठता है, ये लोग गिर कर के उठे हैं तो आप इनसे सवाल करो। हम गिरे हुए लोग नहीं है, ये गिर कर के उठे हैं, गिरे हुए हैं, गिर करके उठे हैं, और सरकारें गिरा गिरा करके उठे हैं। हमने वो काम तो नहीं करा। आजकल फ्री की रेवड़ी पे बात चल रही है, और कांग्रेस ने कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने तो गजक की बात कर दी कि गजक ही आ रही है सीधे। वो तो सबको पता है, वो तो पूरे देश को पता है। जो लोग सारे उस पर गुंडली मार के बैठे हुए हैं, सारी संस्थाओं पे कभी कुछ बेच देवे, कभी कुछ बेच देवे, है ना, हाईवे बनवा देवे, पहली बारिश में वो हाईवे धस जावे, तो ये रेवड़ी लूट रहे, गुलगट्टे लूट रहे, दिल वाले गामन में कह दें, ये कर क्या रहे हमारे देश को रेवड़ी गज्जक? हमारे देश का जो जनता का टैक्स का पैसा उसे रेवड़ी गज्जक समझ के खा रहे हैं। मोदी जी के काले जादू पे देश फिदा है। काले जादू पे, काला जादू करते हैं वो? नहीं, वो कह रहे कांग्रेस कर रही है काला जादू का सहारा ले रही है। अरे आपने वो फोटो शायद नहीं देखी, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सब एक कोने में फोटो लगा देना, देश के प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान कर रहे थे तो काला कुर्ता पहन करके कर रहे थे, राम भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, और फिर काले में कैसा दोष, शिवलिंग का रंग भी काला, महादेव न कर दे रोष, जय माँ काली, कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, न्याय के राजा शनि भी काले, काली रात ही मने दिवाली, तवे का रंग भी काला, बनती रोटी जिस पर श्वेत, और किसान का हल भी काला, जोत रहा वह जिससे खेत, काले के उपहास पर बापू ने गोरों को धोया था, अफ्रीका से वापस आकर बीज स्वराज का बोया था, तन काला हो वसन भी काला किंतु मन काला ना हो, काले धन के चौकीदार की काली जीभ पर ताला हो। तो इसीलिए इसका सहारा लिया जा रहा है, कांग्रेस सहारा ले रही है, मंत्र जप रही है इसीलिए। अभी जो नरेंद्र मोदी जी गंगा स्नान कर रहे थे तो क्या वो भी काले जादू का सहारा ले रहे थे? क्या ले रहे थे? अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा नहीं, वो एक जगह गए थे, वहाँ पे भी वो उसमें वो पहना हुआ था, हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तब गंगा स्नान में डुबकी लगा रहे थे, तो इसका मतलब वो गंगा जी में स्नान करने गए तो काला जादू करने गए थे। मुद्दे और बहुत ज़्यादा हैं, रोजगारी के मुद्दे उठा लो, इनसे पूछ लो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इनसे पूछ लो स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ जा रही हैं, ये सवाल करके देखो ना इनसे तुम। तिरंगा रैली निकाली तो हर घर तिरंगा बना रहे हैं, मतलब अभियान चल रहा है, तिरंगा फहराया आपने? देखिए मैं तो जब कक्षा एक में पढ़ती थी जब से तिरंगा फहरा रही हूँ, तो मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की आप भी कोशिश मत करना, आप भी कोशिश मत करना मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की, समझ में आया? मुझे आप कोशिश मत करना राष्ट्रवाद सिखाने की। दूसरी बात, जब मैं पहली कक्षा में थी तब से मैं तिरंगा लहराती हूँ, अभी ये नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, नए नए तिरंगावादी बने हैं, तो इनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में पहली बार इन्होंने अपनी डीपियाँ चेंज की हैं, ठीक, जब से यू रैप्टा सा फोन आया हम तो जब से बदलते आए,
26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम अपने तिरंगे से अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हैं। भारत का एक एक वासी जितना भी है, देश की जनता, वो अपने आप से तिरंगे से ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये राष्ट्रवाद ना सिखावे, ये इतिहास इन्होंने 4 दिन पहले ही रचा है। क्या अब से पहले देश में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं हुई? क्या अब से पहले तिरंगे नहीं लहराए गए? क्या अब से पहले तिरंगे पर डीपी नहीं लगाई लोगों ने? क्या अब से पहले पोस्ट नहीं डाली तिरंगे की? क्या इतिहास रचेंगे ये इतिहास तो ऐसा रचेंगे 15 अगस्त के बाद। सब लोग ध्यान रखें, तिरंगा आपने लगा, आपका अधिकार है कि आप तिरंगे को लगाएं, लेकिन किसी भी चीज को आम ना बनाएं। जब आप किसी चीज को आम बना देते हो, सोने को आप आम बना दोगे तो उसकी कीमत कुछ नहीं होगी। ध्यान रखें, एक आध घर बेशक छूट जाए भारत में बिना तिरंगे लगाए, लेकिन एक भी तिरंगा सड़क पर दिख ना जाए। एक तरफ तिरंगा अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ नरसिंहानंद ने तिरंगे का अपमान किया। अब यही सवाल करो ना, जो बीज बोया आरएसएस ने उसको पानी दिया यति ने, ठीक। अब यति नरसिंहानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में, जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ? ये तिरंगा भारतीय की सांसों से चलता है, बहुत सारे लोगों ने कर दी, ठीक है। दूसरी बात, जो तिरंगे के लिए शहादत देता है, लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी देश की आज़ादी कराने में और इस तिरंगे को आज़ाद फिजा में लहराने में, तो उनको तिरंगे की मतलब पता है। अब ये यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या क्या तिरंगे की आज़ादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है? क्या कोई बोलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ? क्या कोई छीनेगा उसकी सुरक्षा जो उसको सुरक्षा मिली हुई है, सरकार ने दी हुई है, राहुल गांधी जी ने नहीं दी है? क्या कोई छीनेगा? नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश का मंत्री एक भी बोलने, एमएलए बोलने को तैयार नहीं, उसके बाद सुरक्षा हटाने को तैयार नहीं। गिरफ्तारी तो बाद की चीज आ जाती है, लेकिन सबसे पहले उसकी सुरक्षा तो हटाओ। अरे क्या कौन से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी यति नरसिंहानंद ने? हिंदुत्व को मजबूत कर रहा है वो, क्यों? इससे पहले हिंदुत्व नहीं है क्या? इससे पहले हिंदुत्व मजबूत नहीं है क्या? सनातनी मजबूत नहीं थे? सनातनी तो वो थे पूरे देश में जिनका परचम लहराता है, लहराता नहीं था? कौन कह रहा है कि मजबूत नहीं थे? इन्हीं के आने से आया, पाखंडी बोला जा रहा हिंदुओं को। ओहो, इनके इनके मैंने आपको लाख बार बोला कि मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, मैं इस वर्ल्ड के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। इस बात को गांठ बांध ले, और किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट दे और ना मुझे लेने की जरूरत। उनका हिंदुत्व अलग है। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू क्या है? सनातन होता है, धर्म सनातन है। हिंदुत्व क्या है पूछो ना आप उनसे जाके। हमारा तो सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म से हैं। हिंदू नहीं है। मैंने आपको जवाब दे दिया, आप पूछिए उनसे कि वो हिंदू धर्म से है, वो कौन सा धर्म, हिंदू धर्म का विकास कब हुआ? आप सनातन धर्म को उठाइए, 14,000 साल से पहले से सनातन धर्म है। जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म प्रचारक थे इनके, उनके हिसाब से धर्म इनके हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म 14,000 साल 15,000 साल पहले से सनातन धर्म, तो मैं सनातन धर्म से हूँ। जो 2014 के बाद से हिंदू धर्म इनका आया है, मैं उस हिंदू धर्म से नहीं हूँ, सनातन धर्म से हूँ। गर्व से कहती हूँ सनातन धर्म से हूँ, और मुझे सनातनी होने पर और ब्राह्मण होने पर गर्व है, और मुझे ये गर्व हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म सम्मान करना सिखाता है, एकता करनी सिखाता है, प्रेम भाव सद्भावना सिखाता है, कट्टरता नहीं सिखाता। नरसिंहानंद के इस जहरीले स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है, 15 अगस्त में भगवा फहरेगा या तिरंगा? देखिए, हमारा पूरा देश तिरंगा फहराएगा, ठीक। जो चापलूस है वो अपना काम करेंगे, जो चापलूस हैं वो अपना काम करेंगे। हमारे बहुत, मेरे परदादा जी की भी शहादत लगी हुई है देश की आज़ादी की लड़ाई में। अच्छा ये बताइए, समझ में आया? तो इसलिए उस तिरंगे को लहराने में बहुत लोगों की सांसें गई हैं, बहुत लोग फंदे पे झूले हैं। तो ऐसे ही नहीं आज़ाद फिजा में लहराया था तिरंगा, ऐसे ही नहीं, उसका रंग केसरिया वैसे ही, ऐसे ही नहीं है। कितने स्वतंत्रता सेनानियों का, कितने हमारे जवानों का खून है, तब जाकर के लहराया था तिरंगा, तो हमें उसकी कीमत पता है। गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे आप? मैं यही बोलूंगी उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर थोड़ा बहुत थार में बच रहा हो तो इसे बेलगाम आदमी की गिरफ्तारी करें, इसकी सुरक्षा छीने, क्योंकि ये ऐसे 15 अगस्त के इतने पावन पर्व पर जो हमारे देश की आज़ादी हुई थी, इस तरीके के बयान दे करके, और हम सबको आशंका है कि ये जो है क्या बोलते हैं, हिंसा ना फैला दे इस तरीके की चीज़ें करके, और हमारा जो 15 अगस्त 26 जनवरी और हमारा इतना बड़ा त्यौहार जो है, ये इस तरीके का त्यौहार है कि हम इसको शांति से पूरे देशवासी मनाते हैं। किसी मुसलमान ने ये बात कही होती तभी यूएपीए लग चुका, यूएपीए लग जाता, या कोई और भी कहता, सिख भी कहता तो भी लगा देते ये लोग। क्यों नहीं आ रही है रोड पे इस बात को लेकर? अरे तुम कहाँ है वा दिन? तुम वहाँ के है के नहीं थे? उस दिन थे नहीं, तुम नहीं थे। आप ये देखिए, एक बात बताओ, अब तुम एक तरफ तो मुझे नुके दो नुके यो कांग्रेस है ना, अरे एक तरफ मुझे तुम कांग्रेस नहीं कहते, अब मैं विरोध कर रही हूँ तो आप मानिए ना।
वो तो आप राहुल के लिए लड़ रहे थे ना, राहुल गांधी जी के लिए, महंगाई के लिए लड़ रहे थे। आप यहाँ गलत है, आप यहाँ गलत है। हम महंगाई के लिए लड़ रहे थे, सबको पूरे देश को पता। इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तुम आए नहीं थे, झूठ बोल रहे हो। तुम नहीं आए उस दिन, मैंने देखा था तुम्हें उस दिन महंगाई के खिलाफ देश में वो था प्रोटेस्ट यहाँ पे, ये AICC के बाहर, और यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी बड़े नेताओं की, तमाम नेताओं की। प्रियंका गांधी धंधे पे बैठी, महंगाई के खिलाफ था। आज तक भी ED के विरोध में हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया अपने नेता को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता हमारे नेता सही हैं, इसलिए नहीं करा। हम तो सिर्फ अपने नेता के साथ उस सत्याग्रह में चलना चाहते हैं। तुम्हारी हालत कैसे गीली हो रही है, काय को हो रही? अब एक बात बताइए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आज मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गांधी के देश से आया हूं, तो हम गांधी जी की नीतियों को मानने वाले और उनके संविधान पर, उनके स्वाभिमान पर, उनके सम्मान पर मर मिटने वाले लोग हैं। हम उनकी नीतियों को मानते हैं, हमारा काम है लोकतंत्र देश में, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन इनकी तरह डंडे नहीं बजाएंगे। जिनको 14 में आजादी मिली, क्या वो भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे? देखिए, जिनको 14 में आजादी मिली भैया, मेरा तो देश, देखिए मेरा तो देश जो है 1947 में आजाद हो गया है, ठीक है। तमाम आप लोगों का भी होगा, आपका हुआ देश आजाद, नहीं हुआ आप अपनी बताओ, हो गया था 1947 में? सारे पत्रकार बताओ, हुआ था? तो फिर उस दो पैसे की उसके लिए क्या कहोगे आप? अब एक बात बताइए, नए नए हिंदू बने हैं, नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, तो आप सारे पत्रकारों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप ढेर सारी शुभकामना दें उनको, नए नए राष्ट्रवादी बने हैं। अभी जब बिहार में सरकार, नया नया आजादी का महोत्सव मना रहे हैं वो, अभी बिहार सरकार पे आरोप, बिहार सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि PFI का, जिसको आप दो कौड़ी का बोल रही है, इंस्टाग्राम पे करोड़ों युवा उसके फॉलोवर्स हैं। अब एक बात बताइए, अब आप इसमें कितने सारे हमारे जितने भी भारत में आप रहते हैं, हमारे भारत की संस्कृति क्या कहती है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है ना। तो हमें किसी के पतीले में झांकने की शौक है और ना ही किसी के कपड़े पहनने पर। बाकी फॉलोवर्स तो इससे ज्यादा ज्यादा भी है, आप निकाल करके देखना जितनी बिक निकल लें। मैडम बिहार में जितनी भी बिक निकल लें सबके निकाल के देख लेना। मैम जो बिहार में सरकार पलटी हुई उस पर आरोप लग रहा है PFI का मतलब हाथ है इसमें? एक बात बताइए, जब इन्होंने महाराष्ट्र में बदली थी तब बताइए, तब इन्होंने बदली थी, फिर इन्होंने MP में ड्रामा करा, फिर उसका क्या कहेंगे? मतलब ये इनका मतलब ये करे तो हिसाब और हम करे तो। आपको कैसे पिछड़ी हुई लग रही? आप जो पढ़ लिख करके यहाँ खड़े हैं ना, तो वो कांग्रेस की वजह से खड़े हैं। आप इस बात को दिमाग में रखिए कि आपको अगर आज इतनी आजादी मिली है तो वो कांग्रेस की वजह से मिली हुई है। आपका सवाल क्या है, मेरे सुन लिया आपका सवाल? अब एक सवाल को आप 4 बार रिपीट करो। आप जो इतनी आजादी से काम कर रहे हैं ना, यहाँ भारत में रह करके दिल्ली में खड़े हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से, और आपने जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है ना, तो वो सभी संस्थाएं कांग्रेस की थी। आप इस बात को ध्यान में रखिए। कांग्रेस इतना पीछे क्यों चल रही है? गुजरात में धड़ाधड़ केजरीवाल रैलियां सभा कर रहे हैं, महंगाई पे बोल रहा है, फ्री की रेवड़ी पे बोल रहा है, कांग्रेस उनके पास जाके जागती है, सोती रहती है जब केजरीवाल। मैंने आपके 4 सवालों का जवाब एक ही जवाब में दे दिया। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप जो खड़े हैं वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से खड़े हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से, आप जो कर रहे हैं। सबका अपनी अपनी एक रूपरेखा होती है पार्टियों की, भाई अपने सत्ताधारी पार्टी का अलग काम है, वो अपनी रूपरेखा किस तरीके से बनाए, और हमारी पार्टी का अलग है, विपक्ष जितना भी है उसका अलग काम है, सत्ताधारी पार्टी का अलग है, केजरीवाल जी का अलग है। गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, आपके सवाल मेरा। केजरीवाल जी पे तो उस लड़की को पैसे ना दिए गए जो वो राबी आई, और लड़की जो जिसका चाकू उसे गोद का वो कर दी थी है, उसकी एक बहन जो 11वीं क्लास में पढ़ रही नौकरी तक ना दी गई, चक्कर काट काट के वे थग्गी छोरी, उसका भी मेरे पास फोन आता है, 10-20 लाख रुपए दे देते, कुछ बिगड़ रहा है इनका। चुनाव जो है गुजरात का, मोदी जी का किला है, कोई हिला नहीं पाया। अच्छा, अब क्या होगा, करें लग रहा है कुछ कर पाएगी। चलो आप और हम दोनों सहयोग करते हैं इस देश को बचाने में। अच्छा। इस देश की महंगाई को कम कराने में, इस देश के युवा को आगे बढ़ाने में, इस देश की शिक्षा को मजबूत करने में। तो कांग्रेस कब रोड पे निकल रही है? अभी तो लिगड़ी थी, तुम उस दिन कहाँ है, तुम कहाँ चले जाओ जब रोड पे लिगड़े हैं, और हम तो कल भी रोड पे, आप आमंत्रित हो मेरे घर पे, तिरंगा यात्रा होगी 14 तारीख है कल, मेरे घर, मेरे पैतृक गाँव इस्माइलपुर में, तहसील सिकंदराबाद में, आ जाना, आप आमंत्रित है। और आप देखना हमेशा मेरे पेज वगैरह देखे करो, मैं हमेशा रोड पे ही होती हूँ। तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पे है तो मानिए पूरी कांग्रेस है, अगर पूरी कांग्रेस सड़क पे है तो मान लीजिए एक एक कार्यकर्ता सड़क पे है।